नमस्कार, ऋषिकेश से मैं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य महेश्वरमा जी, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देवभूमि से आज हम आपको बताएंगे क्या कहता है मूलांक से जुड़ा आपका भविष्यफल। जी हाँ, अमूमन जिन लोगों के पास अपनी जन्म तिथि से जुड़ी सटीक जानकारी नहीं होती है, उन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं पता होता, और जिस कारण वो इस असमंजसता में रहते हैं कि भाई उनका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। और उनके लिए हम लेकर आए हैं मूलांक, यानी कि न्यूमरोलॉजी। आज हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों का मूलांक 1, 2 और 3 होता है, उनके लिए फरवरी का ये महीना, फरवरी के 28 दिन कैसे रहेंगे, बताएंगे कि आपका काम धंधा कैसा चलेगा और आपको कितना आर्थिक लाभ होगा फरवरी के इस महीने में। आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मूलांक 1 की। वहीं इससे पहले ये जानेंगे कि आप कैसे पहचानें कि आपका मूलांक 1 बनता है, बताइए मैं जी। देखिए, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है कविता जी, और मूलांक के जरिए से भी अब आप अपने बारे में जान सकते हैं कि हमारे लिए ये माह कैसा रहेगा। तो मूलांक 1 वाले कैसे जाने कि आपका मूलांक 1 है? अगर आपका जन्म किसी भी माह की 1 तारीख को होता है, 10 तारीख को होता है, 19 तारीख को होता है या 28 को होता है, चाहे कोई भी महीना हो जनवरी से दिसंबर तक, तो आपका मूलांक 1 बनेगा। मूलांक में हमें सिर्फ आपकी जन्म तिथि चाहिए, जन्म तिथि की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जान लीजिए कि हो सकता है कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपका मूलांक भी 1 है। तो डेट एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 तारीख 10 तारीख 19 तारीख, और बात करें तो फंस गया कोई बात नहीं, पैच 1, 10, 19 और 28। तो दर्शकों, अगर आप भी हमारा चैनल देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका मूलांक 1 हो, तो एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 1 तारीख को, 10 तारीख को आए, 19 को आए, 28 को आए, तो आपका मूलांक 1 बनता है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण आप बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही प्रतिभाशाली, अभिलाषी होते हैं, और कहते हैं कि बड़े एम्बिशियस होते हैं, यानी कि महत्वाकांक्षी होते हैं, आगे बढ़ने के इच्छुक होते हैं, और आपका जीवन जो है प्राय निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहता है। जीवन में बहुत तरक्की भी आप करते हैं, खासकर 28 वर्ष की आयु के बाद। लेकिन आपको कभी कभी आपके ऊपर गुरूर हो जाता है या अभिमान हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंस या घमंड का रूप ले लेता है, उसी से मूलांक 1 वालों को बचना चाहिए। वरना मूलांक 1 वाले बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे प्रेमी, बहुत अच्छे जीवन साथी भी साबित होते हैं। जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको ये ना कर सकते हो, तो इसलिए इनको मल्टी टैलेंटेड अगर बोला जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बैंक जी, ये तो आपने बताया कि मूलांक 1 वालों का स्वभाव कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी क्या कहती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी ये महीना यानी कि फरवरी इनके काम के लिए कैसा रहेगा, मतलब काम धंधे के लिए, काम कारोबार इन लोगों का कैसा चलेगा। देखिए, फरवरी में काम कारोबार इनका काफ़ी अच्छा रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जो आपका व्यवसाय है वो अब काफ़ी अच्छी गति से चलना शुरू हो जाएगा। और अगर बात करें आपके नौकरी व्यवसाय में, अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें अभी रुकना चाहिए, क्योंकि फरवरी जो माह है वो परिवर्तन के लिए नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरीके से चलाए रखने के लिए बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर नौकरी हो या बिजनेस हो, एक अच्छा फायदा आपके लिए इस महीने साबित होगा। आर्थिक स्थिति की इस दौरान कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, और कहें कि मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कहीं पैसा आपका कहीं रुका हुआ है, कोई फंसा हुआ है, तो वो भी इस समय मिलते हुए नजर आ रहे हैं। संबंधों में भी सुधार हुआ, तो ओवरऑल ये मतलब अच्छा महीना है आपके लिए। तो चलिए, ये तो हमने मैं जिससे मूलांक 1 से जुड़े जातकों के बारे में जाना, और अब बारी आती है मूलांक 2 के बारे में जानने की। आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या कहता है मूलांक 2 की पर्सनैलिटी का राज, बताइए मैं जी। देखिए, मूलांक 2 वाले जो है चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। अगर किसी भी माह में 2 तारीख को अगर आपका जन्म होता है, 11 तारीख को होता है, 20 तारीख को होता है या 29 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक 2 बनता है। और मूलांक 2 के स्वामी जो चंद्रमा होते हैं, जैसे हमने बताया कि चंद्रमा यानी कि चंचल स्वभाव के लोग होते हैं, बड़े भावुक किस्म के, संवेदनशील होते हैं, और हर बात को बहुत ही सोच कर धीमे धीमे करना पसंद करते हैं। कभी कभी यही इनके लिए इनकी कमजोरी बन जाता है। योजना बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में बहुत समय लगाते हैं, तो गाड़ी आपके हाथ से छूट जाती है या मौका जो है निकल जाता है। तो अपनी इस आदत में सुधार लाएंगे मूलांक 2 वाले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्रिएटिव फील्ड में ये बहुत कामयाब होते हैं, आर्टिस्ट, पोएट, राइटर, फिलोसफर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या अगर कोई वास्तुविद बनना चाहे तो मूलांक 2 के व्यक्ति हमने देखा है कि अच्छे मतलब की कामयाबी इन क्षेत्र में होते हैं। जहाँ अभी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, या संगीत हो, वहाँ ये बहुत अच्छा करते हैं। मैं जी, क्या लगता है इस बार इनका काम कारोबार कैसा चलेगा और धन लाभ के कितने प्रबल योग हैं?
देखिए काम कारोबार की स्थिति जो है इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी इस महीने, और अगर नौकरी व्यवसाय ये कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है। जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बड़ा अनुकूल है। इस महीने आपको कोई नए मौके भी मिलेंगे और वहाँ आप सफल भी हो जाएंगे, और बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा ऑलरेडी चल रहा है अधिकतर मूलांग दो वालों का। और अगर आपको नए कार्य की शुरुआत करनी है तो उसके लिए भी समय ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपके कार्य व्यवसाय की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। और कार्य व्यवसाय से जुड़ा जो धन लाभ होता है उसकी क्या परिस्थितियाँ रहेंगी इस बारे के लिए? लेकिन धन लाभ की इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, धन संचय के भी योग बन रहे हैं, हालांकि खर्च भी बराबर अभी आपका बना रहेगा फरवरी मास में भी जी, तो इसलिए कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब तक हमने बात की थी मूलांक एक और मूलांक दो वालों के बारे में, और अब बारी आ जाती है मूलांक तीन के बारे में जानने की। मैं जी कैसे जाने मूलांक तीन के बारे में? देखिए मूलांक तीन जिनके स्वामी स्वयं गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, और कैसे पहचाने कि मूलांक आपका तीन है जी। तो देखिए अगर आपका जन्म किसी भी माह के तीन तारीख को हुआ है और अगर आपका 12 तारीख को जन्म हुआ है, 21 को हुआ है या 30 को हुआ है तो आपका मूलांक तीन बनता है। और बृहस्पति के द्वारा आप बहुत ज़बरदस्त प्रभावित होते हैं और बड़े भाग्यवान भी आप होते हैं, यानी कि भाग्य के बल पर काफ़ी कुछ अचीव करते हैं। मूलांक तीन वाले अक्सर देखा है कि ये एक मतलब बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, बुद्धिजीवी टाइप के होते हैं, यानी किसी भी अगर फील्ड में जाते हैं तो मास्टर्स वहाँ ये इनको दर्जा मिलता है जी। अगर टीचिंग के प्रोफेशन में जाए तो प्रिंसिपल बन जाएंगे, और अगर किसी आईटी कंपनी में हो तो मैनेजर बनते हैं, तो उच्च पद की प्राप्ति इनको होती है। या अगर राजनीति में जाते हैं तो भी इनको बहुत उच्च पद जैसे एमपी एमएलए या चीफ मिनिस्टर तक भी बनते हैं, तो बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं और जीवन में निरंतर ये ऊंचाइयां छूते हैं। मैं जी क्या इनका काम कारोबार इस महीने कैसा चलेगा? देखिए इस महीने काम कारोबार के लिहाज से मैं देख रहा हूँ ये महीना इनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी, तो इसलिए कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है मूलांक तीन वालों के लिए भी। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं जी, और कुल मिलाकर जो है स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। आर्थिक तौर पे मजबूती मिलेगी इस महीने से इन्हें, या फिर थोड़ा सा बहुत स्थिति डमाडोल रहेगी? देखिए अगर बात करें तो आर्थिक पक्ष काफ़ी अच्छा रहता हुआ इनका भी नज़र आ रहा है जी। कोई ऐसी दिक्कत चिंता वाली बात नहीं है। ये इनको क्या करना है इस महीने, अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना है, स्ट्रेस से बचना है बस, तो फिर इनकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन संचय के भी योग बनेंगे। तो ये थे मिस्टर मैंग जी जिनसे मैंने जाना कि अंक शास्त्र के आधार पर अगर आपका मूलांक एक बनता है, दो बनता है, तीन बनता है, तो ऐसे में ये महीना यानी कि फरवरी के 28 दिन आप लोगों के कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे मैंग जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।